दोस्तों कई सारे ब्रांड आए और चले गए, लेकिन आज भी देश का सबसे पसंदीदा बिस्किट पार्ले जी ही है जिसे सबसे ज्यादा बेचा जाता है। और हम वॉशिंग पाउडर निर्मा को कैसे भूल सकते हैं। इन दोनों ही प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत है इनके रैपर पर दिखाई जाने वाली छोटी बच्चियां, जो सालों से हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पार्ले जी और निर्मा में दिखाई जाने वाली ये बच्चियां कौन है और कैसे इन्होंने इतनी कम उम्र में इतने बड़े ब्रांड को अपना चेहरा दिया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज ये बच्चियां कहाँ हैं, किस हालत में है और कैसी दिखाई देती है। हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे, बस हमारे साथ इसी तरह बने रहें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पार्ले जी के हर रैपर में दिखाई जाने वाली इस प्यारी सी बच्ची के बारे में, जिसे देख लो तो उसके चेहरे से नजर ही नहीं हटती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बिस्किट के कवर पर दिखने वाली बच्ची को लेकर काफी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है। तीन ऐसी महिलाएं हैं जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि पार्ले जी के कवर में उनकी तस्वीर है। जी हाँ, तीन अलग अलग महिलाओं का कहना है कि पार्ले जी में छपी तस्वीर उनके बचपन की तस्वीर है। अब ये तीन लोग कौन है इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आइए ये जान लेते हैं कि आखिर पार्ले जी के कवर पर दिखने वाली बच्ची को लाया कैसे गया। तो दोस्तों इन सब की शुरुआत हुई आज से 83 साल पहले, जब मुंबई के विले पार्ले इलाके में रहने वाले एक चौहान परिवार ने साल 1929 में पार्ले नाम की एक कंपनी शुरू की। उस समय कंपनी केवल केक, पेस्ट्री और कुकीज जैसी चीजें बनाती थी, लेकिन उस वक्त मार्केट में बिस्किट की बहुत बड़ी डिमांड थी जिसे एक ब्रिटिश कंपनी पूरा करती थी। कोई भी भारतीय कंपनी नहीं थी जो लोगों को किफायती दाम में बिस्किट बनाकर दे सके, इसलिए अपनी शुरुआत के तकरीबन 10 साल बाद 1939 में पार्ले कंपनी ने बिस्किट की डिमांड को देखते हुए भारत में ही बिस्किट बनाना शुरू कर दिया और उनकी गाड़ी चल पड़ी। ये पार्ले बिस्किट उस वक्त भी लोगों को बड़ा पसंद आया था। साल 1939 से लेकर 1980 तक आज का पार्ले जी उस समय पार्ले गुलको के नाम से मशहूर था, लेकिन फिर कई सारी कंपनियों ने ग्लूकोज बिस्किट बनाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से पार्ले ग्लूको का बिजनेस डाउन होने लगा और तब जाकर उन्होंने पार्ले जी की शुरुआत करी। पहले जिस जी का मतलब ग्लूकोज हुआ करता था, आज उसी जी का मतलब जीनियस हो गया था। साथ ही इसके कवर पर दिखने वाली फोटो भी बदल गई। पहले इसके कवर पर गाय और ग्वालन बनी होती थी, लेकिन बाद में उस ग्वालन को इस प्यारी सी बच्ची ने रिप्लेस कर दिया। ये कंपनी की प्रमोशनल स्ट्रेटेजी थी जो काम आ गई और पार्ले जी बिस्किट हिट हो गया। अब सवाल आता है कि आखिर ये बच्ची थी कौन। दोस्तों नीरू देश पांडे सुधा मूर्ति, जो कि इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी है, और गुंजन गंडारिया, इन तीनों के बारे में कहा जाता है कि पार्ले जी के रैपर पर जो छोटी बच्ची है वो यही है। लेकिन इन तीनों में से सच कौन बोल रहा है। हालांकि भारतीय मीडिया ने नीरू देश पांडे को ही ये बच्ची माना है, जिसके पीछे की कहानी ये है कि जब वो 4.5 साल की थी तब उनके पिता ने ये फोटो खींची थी। वो कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं थे, लेकिन उनकी खींची हुई इस फोटो को जिसने देखा उसने इसे पसंद किया और इन्हीं चक्करों में ये फोटो किसी ऐसे आदमी के हाथ लग गई जिसकी पार्ले वालों के साथ जान पहचान थी और इसी तरह उन्हें पार्ले के पैकेट में फीचर होने का मौका मिल गया, ये दावा नीरू देश पांडे करती है। लेकिन इन सब बातों और अफवाहों के परे पार्ले कंपनी के प्रोडक्ट मैनेजर मयंक जैन से जब पूछा गया कि इन तीनों महिलाओं में से कौन सच बोल रहा है, तो उनका कहना था कि तीनों महिलाएं ही झूठ बोल रही हैं। जी हाँ, तीनों ही महिलाएं झूठ बोल रही हैं, क्योंकि पार्ले जी पर जो लड़की का फोटो है वो किसी असल इंसान की तस्वीर है ही नहीं, सिर्फ वो काल्पनिक तस्वीर है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस तस्वीर को 60 के दशक में मगन लाल दाहिया नाम के एक आर्टिस्ट ने बनाया था। दोस्तों अब बात करते हैं टीवी पर एक समय में सबसे ज्यादा हिट होने वाले निर्मा वॉशिंग पाउडर के बारे में। आपको बता दें कि साल 1969 में गुजरात के करसन भाई ने निर्मा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत की थी, जो आज तक काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। अभी भी लोग इस वॉशिंग पाउडर को न केवल खरीदते हैं बल्कि इसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि निर्मा वॉशिंग पाउडर को शुरू करने वाले करसन भाई ने जब अपनी कंपनी शुरू की तो इस धंधे में उतरने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उस समय इन्होंने घर घर जाकर अपना वॉशिंग पाउडर बेचा था। और अगर हम निर्मा के कवर पर छपी सफेद फ्रॉक वाली इस प्यारी सी लड़की की बात करें तो उसका नाम निरुपमा है, जो कोई और नहीं बल्कि निर्मा ब्रांड को शुरू करने वाले करसन भाई की इकलौती औलाद है। करसन भाई अपनी बेटी निरुपमा से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और अपनी बेटी को अपने आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने देते थे। करसन भाई अपनी बेटी को प्यार से निर्मा कहकर बुलाते थे। हर एक पिता की तरह करसन भाई भी अपनी बेटी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते थे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन कहीं जाने के दौरान निरुपमा का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस घटना से करसन भाई इस कदर टूट गए कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। करसन भाई हमेशा से इस बात की ख्वाहिश करते थे कि उनकी बेटी बड़ी होकर खूब नाम कमाएगी और बहुत मशहूर बनेगी, लेकिन उनकी बिटिया रानी तो कुछ करने
से पहले ही उनको छोड़कर चली गई। इस बात का सदमा करसन भाई को इतने बुरे तरीके से लगा कि उन्होंने खुद अपनी बेटी का नाम मशहूर करने का फैसला कर लिया और लग गए वॉशिंग पाउडर बनाने में। आपको बता दें कि ये शुरुआत से ही एक बड़ा बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन नौकरी के चलते कभी कर नहीं पाते थे। हमेशा घर परिवार की जिम्मेदारियां होने की वजह से इन्होंने बिजनेस के बारे में ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन जब बेटी का साथ छूटा तो करसन भाई के अंदर एक अलग ही जुनून आ गया और तब जाकर इन्होंने निर्मा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत करी। करसन भाई ने अपना ब्रांड तो बना लिया था, लेकिन इसे मशहूर करना बहुत आसान नहीं था। घर घर अपने वॉशिंग पाउडर को पहुंचाने के लिए करसन भाई खुद पहले वॉशिंग पाउडर बनाते थे और उसके बाद बेचने निकल जाते थे। लोगों को घरों में जाकर डेमो देते थे कि उनका पाउडर किस तरह से काम करता है, ये कितना किफायती है और महिलाओं के हाथों के लिए भी ज्यादा सख्त नहीं है। जब ये सारी चीजें करसन भाई शुरुआती दौर में कर रहे थे तो किसी को इनके वॉशिंग पाउडर पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन समय का पहिया बदलता चला गया और निर्मा वॉशिंग पाउडर हिट हो गया, जिसके बाद न केवल वॉशिंग पाउडर बल्कि वॉशिंग बार और नहाने वाला साबुन हर एक चीज निर्मा ब्रांड के तहत बिकने लगी। जैसे जैसे निर्मा मशहूर था, उसके कवर पर लगी सफेद फ्रॉक वाली लड़की भी मशहूर हो रही थी, लेकिन बहुत कम ही लोग ये बात जानते हैं कि जो लड़की निर्मा के कवर पर लगी हुई है वो आज इस दुनिया में है ही नहीं। उसकी मौत सालों पहले हो चुकी थी। उसकी तो एक छवि है जो इस कवर पर दिखाई देती है। दोस्तों, इत्तेफाक की बात देखिए, इतने बड़े ब्रांड का चेहरा बनने वाली दो छोटी छोटी लड़कियां जिन्हें लोग देख कर ही ब्रांड को पहचान जाते हैं वो आज इस दुनिया में है ही नहीं। एक का अस्तित्व कभी था ही नहीं तो दूसरी अब हमारे बीच नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए, और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।